नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजीव बंसल फिर हाजिर हूँ हंसी की आवाज़ चैनल पर, फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं एक बहुत ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे खड़ा हूँ, जो है पृथ्वीराज चौहान का किला। इट्स ए फोर्ट, यही एक टूरिस्ट पैलेस भी है, यहाँ फॉरेनर्स भी आते हैं। और लेकिन आज हमारा मौजू बिल्कुल अलग है। आज मैं दो ऐसे हाँसी के यानी कि विकास की जो कड़ी कही जाती हैं, धुरी कही जाती हैं, ऐसे एक आलाकमान अधिकारी जो नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, जिनका काम एग्जीक्यूट करना होता है, काम यानी कि वर्क एग्जीक्यूट करना होता है, और एक नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी जी, उनके साथ एक पार्षद है मोबाइल जी। हम जानेंगे पहले विनोद सैनी जी से, जो कि नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, निर्मला सैनी जी के पतिदेव हैं, पूरा काम काज संभालते हैं। नगर परिषद को जुमे 3.5 साल हो गए हैं, और नगर परिषद का काम होता है कि हाँसी में विकास कार्य करना। ग्रांट आती है, विधायक के मार्फत आती है, या किसी और के मार्फत आती है, या खुद ये सक्षम होते हैं ग्रांट लाने में, यानी कि नगर निकाय मंत्रालय से ग्रांट आती है, सीएम कोटे से ग्रांट आती है, और शहर के विकास के लिए ग्रांट आती है। उसमें कितना विकास नजर आता है लोगों को, 3.5 वर्ष हो गए हैं, लगभग 40 करोड़ रुपया यहाँ लग चुका है। लोगों को क्या नज़रिया है लोगों का हाँसी के बारे में? हाँसी एक हिस्टोरिकल शहर है, इसका लेआउट बड़ा उबड़ खाबड़ है, कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है। इसको मेंटेन करने के लिए, इसमें विकास कार्य करवाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, एक मास्टर प्लान बनानी पड़ती है। हाँसी स्टिल यानी कि विकास के कार्य में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, लेकिन इन्हीं से जानते हैं कि 3.5 साल के कार्यकाल के दौरान जो ग्रांट आई, उसमें मास्टर प्लान के तहत क्या क्या कार्य का क्या क्या कार्य हुए, क्या क्या विकास कार्य हुए। स्टिल लोगों को अभी विकास कार्यों की जरूरत है। यहाँ विनोद जी, आपका स्वागत है हाँसी की आवाज़ चैनल। धन्यवाद बंसल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ बंसल जी। मैं सीधा एक प्रश्न पूछता हूँ, आपका 3.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, 1.5 साल बकाया है। 3.5 साल के इस कार्यकाल के दौरान यानी कि कुछ समस्याएं आज भी मुंह बाए खड़ी हैं, जिसमें हम स्टे कैटल्स कहें, आवारा पशु, पानी की निकासी का, और कुछ सड़कें भी ऐसी हैं, जैसे काली देवी रोड जो है स्टिल आधा बना आधा बकाया रह रहा है, कुछ ऐसी रोडें हैं जो सड़कें हैं जो गलियां हैं जो अभी भी बकाया रह रही हैं। तो आप मुख्य बात मुझे बताएं कि 3.5 साल के कार्यकाल में आपका यानी कि लेआउट प्लान क्या रहा, और कितनी आउटपुट निकल के आई, लोगों का नज़रिया क्या है हाँसी के विकास को लेकर? बंसल जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 3.5 साल में हमने 40 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं, और उनमें मैं आपको मुख्य बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ से आप अंबेडकर चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक का रोड, वो बरसों पुराना रोड था, वो कभी नहीं बना था, हमने उसे सीसी का रोड बनवाया है, और अब वहाँ पर लोग जो बस स्टैंड से लोग जाते थे, अब वो 5 मिनट के अंदर स्टेशन के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर हमने लाइटें लगवाई हैं, और हमने वहाँ पर बेंच लगवाए हैं, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और काली देवी रोड की बात, काली देवी रोड की भी एक साइड बन चुकी है, और दूसरी साइड का काम चालू हुआ था, तो उसके बाद उसके अंदर पानी की लाइन की दिक्कत आ गई है, और वो लाइन अब पब्लिक हेल्थ डाल रहा है वहाँ पर लाइन, जैसे ही लाइन डल जाएगी तो काली देवी रोड का भी काम शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बंसल जी, भगत सिंह रोड जो बरसों पुरानी दिक्कत थी, जो कभी नहीं बना था उस रोड को, हमने उसको सीसी का बनवाया है। वहाँ पर दुकानदारों को काम काज करने में इतनी परेशानी होती थी कि वो काम भी नहीं कर पाते, उनका रोजगार ठप हो चुका था बिल्कुल, और आज वहाँ पर लोग दुकान पर काम इतना हो गया है कि लोग वहाँ के गुरु जी, एक बात तो हमें बताइएगा कि आप सड़कें बनवाते हैं, है रोड बनवाते हैं जिनकी डिमांड आती है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन रोडों की पानी की निकासी नहीं होती, और वो रोड बनने से पहले टूटने शुरू हो जाते हैं। पानी की निकासी का क्या प्रबंध करवाते हैं, ऐसा इंजीनियरिंग प्लान क्या है आपके पास? ऐसा है बंसल जी, हमने इसके लिए जो पब्लिक हेल्थ का काम होता है तो उनको हम अवगत कराते हैं, और जो हमारा नगर परिषद का काम होता है उनसे कोऑर्डिनेशन रहता है आपका? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल रहता है, और जो नगर परिषद का काम होता है तो वो उसको हम दूर करने में वो करवाते हैं, काम करवाते हैं। पिछले 1.5 साल में आपको स्टे भी मिला,
यानी कि सारा काम पैरालाइज भी हुआ, तो उसमें आपको तो थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ा होगा विकास के कार्यों में। मैं बताता हूं बंसल जी, जब हमारी आपस में पार्षदों का मतभेद था तो उस में हमें दिक्कत आती थी। अगर कहते हैं ना, अगर घर में भी लड़ाई हो ना, भाई भाई की भी आपस में लड़ाई हो ना, तो भी उस घर का नाश हो जाता है, और जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। तो इसी बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से हमारी स्टे दूर हुई है उसके बाद सभी पार्षद एक से लेकर 27 वार्डों में हमने समान रूप से काम करवाया, और सभी पार्षदों की भी यही मनसा थी कि शहर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करवाए जाएँ, और उसके बाद आप शहर में काम कार्य गति पर है। सर एक बात मैं पूछता, बड़ा आपको लगेगा अभी कि ये क्या पूछता है, जब आप चेयरमैन बनते, कोई भी चेयरमैन बनता है, पार्षदों की हॉर्स ट्रेडिंग होती है, यानी कि कहा जाता है कि पार्षदों को शिमला घुमाया, इतना खर्च कर दिया, और उसको पूरा करने के लिए फिर हमें नगर परिषद में कार्यों में कुछ यानी कि मेहनताना भी लेना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या? आरोप लगते हैं, मैं नहीं आरोप लगा रहा, ऐसे आरोप लगते आए हैं और आपको झेलने भी पड़े। मैं आपको बताता हूँ बंसल जी, ऐसा कुछ नहीं है, और जो बता रहे हो आप खर्चे वर्चे की, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं है। टेंडरिंग जो ई टेंडरिंग होती है, ई टेंडरिंग सरकार द्वारा लागू की गई है, और ई टेंडरिंग के माध्यम से ही टेंडर लगाए जाते हैं, उसी से ही जो भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आता है उसी के थ्रू भरता है। बार बार आरोप लगते हैं सफाई के टेंडर्स के ऊपर कि भी ये एक ही आदमी को दे दिया, अब तो बदल दिया गया है, लेकिन ऐसे आरोप लगते हैं कि ठेकेदार भी एक ही रहता है, ये टेंडरिंग होने के बावजूद भी, इतनी पारदर्शिता होने के बावजूद भी, कुछ ऐसे आरोप लगते हैं जो झेलने भी पड़ते हैं, उनके बारे में आप क्या सफाई देंगे? बंसल जी मैं उसके बारे में आपको साफ बताना चाहता हूँ, क्योंकि पहले सफाई व्यवस्था को लेकर हमारे पास ना तो कोई साधन थे, और हमारे पास कचरा डालने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं थे जहां हम कचरा ले जाकर डाले। अब हमारे पास भीड़ फार्म के अंदर हमारे पास पॉइंट है, और जब से ये पॉइंट बना है अब शहर के अंदर सफाई व्यवस्था पहले से दुरुस्त है। हम मानते हैं कि जब कचरा शहर के अंदर से बाहर गिरने के लिए ही साधन ही ना हो तो क्या करेंगे। हाँसी शहर बरसात में थोड़ी सी दो बूंद आती है तो झील बन जाती है, पानी की निकासी नहीं है, इसके लिए क्या मास्टर प्लान है आपका? उसके लिए हम नगर परिषद को और पब्लिक हेल्थ को और बीएनडीआर को, तीनों को हमारे विधायक जी विनोद भ्याणा जी ने बुलाया था, और उन्होंने सब के बारे में पूछा था, और उन्होंने हमने जो हमारी समस्या थी उनको अवगत करा दिया था। उसके बाद विधायक जी ने पब्लिक हेल्थ का काम पब्लिक हेल्थ, नगर परिषद का काम नगर परिषद करवाएगी, और शहर के अंदर कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी महिला एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, नारी सशक्तिकरण के लिए काम करती है, कभी निर्मला जी को बाहर निकालेंगे या सदा आप ही काम करते? नहीं, ऐसा नहीं है बंसल जी, वो भी बहुत काम करते हैं, नगर परिषद भी आते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार तो नगर परिषद जरूर आते हैं। ये थे विनोद सैनी जी, ये कहते हैं कि निर्मला जी भी बाहर आती हैं और वो मीटिंग भी लेती हैं हाउस में, और ऐसा नहीं है कि नारी और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। मेरे साथ खड़े हैं एक आला कमान अधिकारी, बड़े यंग डायनामिक ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ जिसे बोलते हैं हम नगर परिषद के, ईओ सोनीपत से हाल ही में तबादला होकर यहाँ आए हैं, और बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट हैं और बड़ी एजुकेशनिस्ट फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। इनकी माता श्री ने हांसी में बहुत सेवाएं दी हैं, एज ए प्रिंसिपल, एज ए डीओ, हिसार डिस्ट्रिक्ट की डीओ भी रही, और वो यहाँ की बहुत उन्हीं के सुपुत्र हैं अपूर्व चौधरी जी। आप बतौर ईओ यहाँ आए हैं, आपके ऊपर बहुत दायित्व होता है, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, एक चुनी हुई यानी कि नगर परिषद की एक असेंबली होती है, उनको वर्कआउट करने के लिए, उनके सारे कामों को एग्जीक्यूट करने के लिए। आपको जुमे 10 दिन हुए हैं, आपने यानी कि यहाँ की समस्याओं के बारे में क्या जाना, मुख्य समस्याएं क्या हैं और क्या आपके जहन में प्लानिंग है? ऐसे है, मुख्य समस्या है सफाई की थी, जो कि न्यूज़पेपरों के माध्यम से मैं देखता आ रहा था। जी जी जी, क्यों घर मेरा हिसारी था तो मैं वीकेंड पर, आपकी तो एजुकेशन भी हासिल हुई है, स्कूलिंग हासिल हुई है, 10th मैंने हासिल की, तो मैं देखता था भाई सफाई व्यवस्था ये नहीं है वो नहीं है, तो उसका जैसे ही फर्स्ट डे, मेरा पहला मोटिव ये है शहर की सफाई, जो कि चेयरमैन प्रतिनिधि ये भी मेरे साथ प्रॉपर, सुबह हम 6:30 बजे निकलते हैं और उसके बाद उसको एक बार हम एक राउंड लेते हैं, और काफ़ी शहर में सफाई व्यवस्था काफ़ी पिछले 2-3 महीने से सुधरने लग रही है, जब से हमारा डंपिंग पॉइंट भीड़ में जो 15-17 एकड़ में जगह है हमारा बना हुआ है,
पहले एक कचरा एक दो दिन तो डाला जाता है, दो दिन बाद उठाया जाता है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सेम डे उठा लेते हैं। सेम डे ही हमारा कचरा हर पॉइंट से उठ जाता है। उठ जाता है। अब हमारी कोशिश ये है जो हमारे सेकेंडरी पॉइंट है, जो सेकेंडरी पॉइंट से उठ के हमारा कचरा जो डंपिंग साइट पे जाता है, जो सेकेंडरी पॉइंट हम कोशिश यही कर रहे हैं। चेयरमैन मैडम भी बैठे थे जब डिस्कस कर रहे थे, वो हांसी के अंदर करीब हम तीन या चार पॉइंट ही रखें। जी जी, एक पॉइंट रखेंगे हम चार कुतुब गेट के आसपास, एक रखेंगे धोबी घाट के आसपास, एक दो पॉइंट और देखने लग रहे हैं। ये तो सफाई की बात रही, आवारा पशु का क्या करें? आवारा पशुओं का ये बहुत है। ये नाजीज है लोग, इसके लिए नाजीज है लोग। हाँ, आवारा पशुओं के रिगार्डिंग मेरी एक दो गौशालों में मीटिंग हुई है और गौशाला वालों से बातचीत की गई है। पहले तो भाई मैंने क्यों एक दो जगह पहले देखा है भाई, हम टेंडर कर देते हैं फिर इशू ये आता है गौशाला वाला नहीं ले रहा, ये नहीं ले रहा, वो नहीं ले रहा, तो इसलिए पहले मैंने गौशाला वालों के साथ मीटिंग की। वो तैयार हो गए हैं, दो तीन गौशालों मेरी बात हुई है, बोले दो सौ हम स्ट्रे। और मैं बार बार कहता हूँ कि पानी की निकासी, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन नहीं है यहाँ पर, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पर। आप अगर श्याम बाबा मंदिर के सामने जाएंगे, झील हो जाएगा। मेरे साथ यानी कि वो खड़े हैं अजय सैनी जी, जो एसडी महिला कॉलेज मार्केट के एसोसिएशन के प्रधान है। इनकी मार्केट झील हो जाती है, जहाँ विनोद भ्याना जी का आवास को भी सड़क जाती है, तो ऐसे में सारा शहर डूबने को होता है। ऐसे में मेरा अभी एक्शन पब्लिक हेल्थ के साथ हमने ना विजिट किया था, जो मेन जैसे तो जहाँ जहाँ ड्रेन है उन ड्रेनों को हमने विजिट कर लिया है। उन ड्रेनों में कहीं जाल लगाने की आवश्यकता है तो हमने जाल के लिए उनको बोल भी दिया है, मतलब हमारे एक दो कॉन्ट्रैक्टर को, भैया आप यहाँ जाल लगा दो ताकि कोई लिफाफा वगैरह जो आता है तो उसको क्लीन कर दे। और जहाँ तक ड्रेनेज की बात है, क्यों काफ़ी पुराना शहर है, तो इसके लिए ये है जब बारिश का मौसम आने वाला होगा तो इस चीज़ के लिए मैं इंश्योर करता हूँ एक महीने पहले ही पूरे हासी के जितने नाले हैं वो बिल्कुल क्लीन मिलेंगे ताकि पानी का कोई दिक्कत ना आए। फिर अगर फिर भी कहीं नाला नहीं है तो उसके लिए हम जेट पंप वगैरह की सुविधा ऑलरेडी पहले ही हम अपना बैकअप रखेंगे जिससे पानी निकालते हैं। ईओ की पोस्ट एक बड़ी सैंडविच पोस्ट बताई जाती है, इसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है, विधायक भी होता है, साथ में चेयरमैन भी होती है। और यहाँ पर खासकर जहाँ नगर परिषद है, नगर पालिका है या नगर निगम है, वहाँ पर बड़े भ्रष्टाचार की करप्शन के आरोप भी लगते हैं, कि कमीशन खोरी के भी आरोप लगते हैं, यानी कि यहाँ पारदर्शिता नहीं बरती जाती, ऐसा बोला जाता है, आरोप लगे जाते हैं। उन आरोपों को यानी कि आप बिल्कुल पारदर्शिता लाने के लिए इस कार्य का, जहाँ तक पॉलिटिकल कोई इशू लोकल आप कह रहे हो जैसे विधायक का भी प्रेशर होता है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। हाँ प्रेशर है, पर मेरे ऊपर ये प्रेशर है हांसी की सफाई का प्रेशर है विधायक का, भाई आप हांसी की सिर्फ सफाई कराए। रही जहाँ तक चेयरमैन मैडम की बात है, इनका ऐसा कोई प्रेशर तो मेरे मुझे कुछ नजर आया नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई वर्किंग में किसी का कोई रूटीन में कोई काम मुझे तो लगता नहीं कोई रोकता है। और जो कि जितनी फाइल पेंडिंग है, क्यों कोई अधिकारी यहाँ था नहीं, बिल्डिंग इंस्पेक्टर भी नहीं था, हाल ही में हमारे पास सैनिटरी इंस्पेक्टर भी नहीं है, तो हमारे कोई पेंडिंग ऐसा कुछ वो नहीं है। ये देखिए 27 वार्ड है, 27 पार्षद है, सभी को अपने अपने वार्डों के लिए काम करवाने होते हैं है? क्योंकि आगे भी इलेक्शन लड़ना होता है उनमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा सबकी यही रहती है कि मेरे वार्ड में हो। तो ऐसे क्या बंदर बांट करते हैं या सबको बराबर नहीं, करते वो हैं? ऐसा कुछ नहीं है ना, बराबर वाली कोई बात है, हम उसमें देखते हैं वार्ड में प्रायोरिटी क्या। हाँ हाँ, मौका विजिट करते हैं, हमारे लाइट इंस्पेक्टर कर लेते हैं, जेई कर लेते हैं, एक्शन साहब भी चले जाते हैं, उसमें देखते हैं इसमें इस वार्ड में इतनी हमें इस रोड को बनाने की आवश्यकता है या नहीं है, चाहे रेजुलेशन हो रहा अगर आवश्यकता नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे। जिस चीज़ की आवश्यकता है हम उस वार्ड में बिल्कुल करेंगे। करप्शन के लिए क्या करेंगे, ये तो कुछ है क्या कुछ ही? नहीं ऐसा करप्शन तो है ही नहीं, ऐसा कुछ नजर नहीं आया नहीं है। मेरे साथ खड़े हैं बिल्कुल नगर पार्षद वार्ड नंबर 4 के पार्षद अजय सैनी जी। आपका जो आप एक मार्केट के एसोसिएशन के प्रधान भी है, उसमें स्टिल पानी की समस्या रहती है, गंदा पानी इकट्ठा रहता है, बरसाती पानी आता है, तो आप तो खुद भी पार्षद हैं, उसके बारे में भी चेयरमैन साहब को हमने बताया है और चेयरमैन साहब ने उसका वो लगा लो नक्शा वगैरह बनवा के जो भी है प्रपोजल भेज रखा है और जैसे वो पास होके आता है तो चेयरमैन से बात हुई है, वो जल्दी ही वहाँ बड़ी लैंड डलवा दी जाएगी। छोटे के लोग चेयरमैन साहब पहले कह रहे थे वह भी डलवा देते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ी बड़ी लैंड डल जाए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमें किसी। चेयरमैन साहब आप बताइए, चेयरमैन प्रतिनिधि बंसल जी, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस पाइपलाइन के बारे में अजय ने और पूरी मार्केट ने मुझको बुलाकर अवगत कराया था, मगर हमने यही बात हमारे विधायक जी के सामने रख दी थी
और विधायक जी ने हमको बताया, हमने कहा था कि हम इसके अंदर छोटी पाइपलाइन डाल देते हैं, मगर विधायक जी ने बोला था कि हम इसके अंदर बड़ी पाइपलाइन डलवाएंगे और उसके लिए पब्लिक हेल्थ को उन्होंने एस्टीमेट बनाने के लिए भी बोल रखा है सर को, और जल्दी ही इस लाइन को रूप मिलेगा। नगर परिषद लाइट के बिल नहीं भरती, आपका करेक्शन कार्ड दिए जाते हैं है? और फिर लगी लगाई लाइटें बत्ती गुल हो जाती है, ठीक है बंसल जी? ऐसा नहीं है कि बिजली बोर्ड हमारे कनेक्शन काट दे, ऐसा नहीं है। हमारे पास मीटर के अभाव थे, हमारे यहाँ पर नई एलईडी लाइटें लगी हैं पूरे शहर के अंदर, उसकी वजह से यह प्रॉब्लम आ रही थी, और अब हमने 25 मीटरों के पैसे जमा करा दिए हैं इस इधर बिजली बोर्ड में, और वो जल्दी ही मीटर लगा देंगे। एलईडी लाइट का घोटाला भी बहुत का चर्चा बहुत चली, वो सोल आउट हो गया बंसल जी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बताना चाहता क्योंकि वो मामला ऊपर गया हुआ है, ऊपर गया वो, हाँ, अभी इंक्वायरी वो में। पुराना मामला है और जो हमारे यहाँ फिलहाल में जो काम चल रहा है उसके बारे में मैं बता सकता हूँ। बढ़िया काम चल रहा है? हाँ, यहाँ बढ़िया काम चल रहा है। वो 1.5 साल जो खराब हो गया, इस 1.5 साल में पूर्ति कर दोगे उसकी? वो बंसल जी, आप शहर के अंदर आप खुद भी जाते हैं, 40 करोड़ की ग्रांटें आ गई हैं, और कितनी ग्रांटें आपके बकाए हैं? ऐसा है बंसल जी, उसके बारे में हमने हमारे विधायक जी को बता दिया, अब हमारे पास फिलहाल कोई ग्रांट नहीं है, और विधायक जी ने भी हमें आश्वासन दिया है कि शहर हंसी में नगर परिषद में ग्रांट की कोई कमी नहीं रहने देंगे, उन्होंने सीएम साहब के सामने बोल दिया। अपूर्व जी, मैं जानना चाहूंगा कि तीसरे दिन ये सफाई कर्मचारी झंडा उठाए रखते हैं तनख्वाह के लिए, सैलरी के लिए, कैसे मैनेज करते हैं इनकी सैलरी? आपके आउटसोर्सिंग है कुछ? नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ। इसके लिए मेरा पहला, मैंने इन्हीं से ही बात की थी, सफाई कर्मचारियों से ही, मैंने जो इनकी एसोसिएशन के प्रधान वाइस प्रधान वगैरह आए थे, मैंने उनको ये बोला था, देखो आपको ही पता है ऐसा, आप भिवानी देख लो, कहीं महम भी देखो कि सारी जगह 3-3, 4-4 महीने में सैलरी आती है। उसके लिए क्या है, मैं ध्यान दे रहा हूँ पहले जो हमारी एमसी की इनकम के ऊपर, जो हमारी मेन इनकम है प्रॉपर्टी टैक्स हाउस टैक्स की, जो कि मैंने अभी ज्वाइन करे 18 दिसंबर को मैंने ज्वाइन किया है, और 31 तारीख तक मैंने करीब 8 या 9 लाख तो मैंने टैक्स रिकवर कर भी लिया था। इनकी प्रॉपर सैलरी हो जाएगी? हाँ, प्रॉपर इनका टाइम टू टाइम सैलरी इनको हम दें। ये थे विनोद सैनी जी, जो चेयरमैन प्रतिनिधि मेरे साथ, और साथ में ही एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ, जो कि एक कड़ी होती है और एक कड़ी बनकर कोऑर्डिनेशन से काम करना होता है। हमने इनसे बड़ी बेबाक बातचीत की, इनकी कमीशन के बारे में बात की, इन्होंने साफ मना किया कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं, आरोप तो लगते रहते हैं जो इलेक्टेड बॉडी होती है उस पर, और इन्होंने अपनी अपनी दोनों ने प्लानिंग भी बताई कि शहर के अंदर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का भी प्रबंध किया जाएगा जहाँ पानी की निकासी नहीं होती है। स्टे कैटल्स के बारे में भी ईओ साहब ने बताया कि गौशालाओं से बातचीत चल रही है, सड़कों की मरम्मत के बारे में भी, और पानी की निकासी पहले और सड़क बाद में बनने की भी बात कही है। ये सब बातें इन्होंने कही है। हम तो शुभकामनाएँ दे सकते हैं कि नव वर्ष के अंदर नगर परिषद एक अच्छे आइकॉन तैयार करे, एक अच्छा नाम कमाए और मुकाम हासिल करे। पिछले दिनों जो हुआ सो हुआ, 1.5 साल बकाया है साहब, 1.5 साल में आप रिकॉर्ड तोड़ काम कीजिएगा, और विधायक पर प्रेशर बनाइएगा कि वो आपके लिए ग्रांट लेकर आए, और विधायक साहब को भी चाहिए होता है कि हादसे में अपने हल्के में विकास करवाना, तो हम यही कहेंगे कि हादसे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट आए और आप लोग उसका एक प्रॉपर इस्तेमाल करें और शहर को चमकाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व सिंह जी, और अपूर्व चौधरी जी, और विनोद सैनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बड़ी बेबाकी से हमसे बात की है, बड़े साफ गोई से आपने बात किया, अपना पक्ष भी रखा, हमने आपको पूछने की कोशिश की। दोस्तों, आपने हमें बहुत मोहब्बत दी है, हांसी की आवाज़ चैनल को बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी है, और आपकी फीडबैक भी हमें मिलती रहती है, और मेरे एडिटर, मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय सैनी जी हमेशा सहयोग देते रहते हैं। आप हांसी की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन दबाइएगा और इसे देखिएगा ज़रूर, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम है आपके लिए। आपको अपने शहर के दो ऐसी रीढ़ की हड्डी जिनके ऊपर विकास का दायित्व तो है, उनका हमने साक्षात्कार लिया है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नई एक शख्सियत के साथ, चले जाते हैं तेरी महफिल से हम, अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।